जीवन भर कोई कष्ट नहीं आएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ समझा जाए, हमारे समग्र शास्त्रों ने कभी आपको अकर्म बनने की प्रेरणा नहीं दी है। कभी ये नहीं कहा कि सिर्फ भगवान को पूजो और कुछ करो मत। कई बार यही आशा लोग लगाकर बैठे रहते हैं, कुछ करना ना पड़े, कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए, सब काम अपने आप होने लगे और हम ऐसे ही हाथ पे हाथ धर के बैठे रहें, बस मंदिर चले जाएंगे, जो चाहे वो कर लेंगे, खुद कुछ ना करना पड़े। पर याद रखिए, भगवान ने आपको कर्म करने की शक्ति प्रदान की है। क्या दी है? कर्म करने की शक्ति दी है, समय दिया है, एक समान। कोई ये नहीं कह सकता, हाँ धन के लिए कोई कह सकता है कि भैया मेरे पास कम धन है, मेरे पास ज्यादा है, पर कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा जो ये कह सके अजी मैं तो करोड़पति हूं, मेरे पास पूरे दिन के अंदर 56 घंटे होते हैं। उसी के पास भी 24 घंटे और आपके पास एक निर्धन व्यक्ति के पास भी 24 घंटे, इससे ज्यादा किसी ना तो अरबपति को मिलने वाला है टाइम और ना ही गरीब को ज्यादा मिलने वाला या कम मिलने वाला है। प्रभु की ओर से समय सीमा सबके लिए समान निर्धारित है, कर्म करने की ऊर्जा भी प्रभु ने समान सबको दी है। अब बात यहां पर आती है, आप उस समय का और उस शक्ति का सदुपयोग किस तरह से लगाते हैं। कोई रोते धोते और अपने जीवन में अपने आप को ग्लानी करते कोसते हुए जीवन बर्बाद कर देते हैं, समय भी बर्बाद कर देते हैं, शक्ति का भी बर्बाद करते हैं, व्यर्थ करते हैं अपनी शक्ति को। और कुछ हैं उसी समय का सदुपयोग करके, जो भगवान ने शक्ति दी है उससे कर्म करके बहुत आगे पहुंच जाते हैं, क्योंकि यहाँ प्रभु ने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया।